चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं खबर पंचायत। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में कस्बे के सभी एटीएम के बंद होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गुरु नानक जयंती के राजकीय अवकाश के कारण बैंक तो बंद हैं ही, लेकिन एटीएम के भी बंद रहने से लोगों को नोटों के लिए भटकना पड़ रहा है। जहां कस्बे में 8 एटीएम मशीनों में से केवल महलों के चौक स्थित एसबीआई बैंक का एटीएम भी खुला नजर आया, लेकिन वहां भी जब पड़ताल की गई तो वह आउट ऑफ सर्विस था। एटीएम में न नोट जमा हो रहे थे और न ही निकल रहे थे। वहीं दूसरी ओर बीओबी बैंक के तीनों एटीएम आज पांचवें दिन भी बंद रहे। भरतपुर के वैध नेशनल हाईवे स्थित गांव बाछरन के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से मृत अधेड़ का दाह संस्कार नगर पालिका द्वारा कराया गया, लेकिन नगर पालिका प्रशासन दाह संस्कार के लिए आवश्यक लकड़ियां नहीं जुटा पाया, जिससे शव का दाह संस्कार अधूरा ही रह गया। गौरतलब है कि नेशनल हाईवे संख्या 11 जयपुर भरतपुर स्थित बस स्टैंड पर 10 नवंबर को एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई थी। झालावाड़ के खानपुर में विधायक नरेंद्र नागर ने कल्लाजी धाम अगावत पर 5 लाख से निर्मित चार दीवारी का शिलान्यास किया। उन्होंने शिवनगर पंचायत ढाणी गांव में 5 लाख से इंटरलॉकिंग सड़क और अगावत में ग्रामीण गौरव पथ बनाने की भी घोषणा की। अजमेर के पुष्कर मेले में श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए नवाचार बंगाल वॉरियर बनाम देश विजेता टीम का रोचक कबड्डी मैच का आयोजन किया गया। झालावाड़ के अकलेरा में पुराने नोट बदलना परेशानी का सबब बन गया है। एटीएम के सामने लंबी कतारें लगी हैं। इस पूरी प्रक्रिया में गरीबों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। यहां मजदूर काम छोड़कर नोट बदलने के लिए बैंकों के सामने बैठे हैं। कोटा के कैराबाद में रामगंज मंडी में एक ही घर में खड़ी दो मोटरसाइकिल चोरी हो गई। बीती रात चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने दिन भर तलाश के बाद पुलिस में मामला दर्ज करवाया। ये घटना मोड़क थाने के छापरला मोहल्ले की है। सिरोही के शिवगंज में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कामेश्वर धाम पर मेले का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जैसलमेर के नाचना में पानी की हौदी में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक सुबह पानी भरने के लिए हौदी पर गया था, वहां पैर फिसलने से हौदी में गिर गया, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। सवाईमाधोपुर के चौथ कबरवाड़ा में संसदीय सचिव जितेंद्र कोटवाल रिटायर्ड पंचायत ने दौरा किया और ग्रामीणों की उन्होंने समस्याएं सुनी। अजमेर के नसीराबाद में बस स्टैंड के पास बस से उतरते ही एक महिला को बेकाबू बाइक ने टक्कर मार दी। महिला को गंभीर हालत में अजमेर रेफर किया गया है। टोंक के मालपुरा में मेहरू पंचायत के ग्राम छीपड़ की ढाणी में किसान के घर में खड़े ट्रैक्टर में आग लग गई। आग लगने से उसकी दुकान और मकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। अलवर के बहरोड दिल्ली जयपुर हाईवे 8 पर एक होटल के कमरे में पंखे से लटकी युवक की लाश मिली है, जहां मृतक संदीप पूरी दिल्ली के विकासपुरी का रहने वाला है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक के परिजनों ने शाम को गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए मृतक के मोबाइल की लोकेशन के आधार पर जानकारी जुटाई, जिस पर देर रात मोबाइल की लोकेशन बहरोड के एक होटल की मिली। ये मृतक घर से झगड़ा होने के कारण निकला था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पंखे से उतारकर मोर्चे में रखवाया है। करौली के नादोती में पंजाब नेशनल बैंक में पैसे जमा कराने आई महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। महिला और ग्रामीणों ने समाज कंटक की जमकर धुनाई की। अजमेर के किशनगढ़ में सुभाष कॉलोनी में कई महीनों से गंदे बदबूदार पानी की आपूर्ति हो रही है। कॉलोनी वासियों ने कुछ दिन पहले विभाग के कार्यालय पर जाकर विरोध प्रदर्शन भी किया था, मगर इसके बावजूद भी उनकी समस्या का निदान नहीं हुआ। अजमेर के किशनगढ़ में रविवार को 14 परीक्षा केंद्रों पर 3,417 अभ्यर्थियों ने प्रयोगशाला सहायक की परीक्षा 14 केंद्रों पर आयोजित की, जिसमें 79% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। अजमेर के मसूदा में 2000 के नकली नोट देकर एक छात्र अज्ञात ने फ्रूट विक्रेता से ठगी की। 2000 के नोट की फोटोकॉपी देकर 100 रुपए के फल लिए, जिसके बाद 1900 रुपए लेकर फरार हो गया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में श्री गुरु नानक देव का पावन प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जहां गुरुद्वारा में सुबह से शबद कीर्तन का आयोजन किया गया और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया। इसके बाद सामूहिक अरदास का आयोजन किया गया और अंत में गुरु का अटूट लंगर वितरित किया। इस दौरान सिंधी समाज के लोगों ने लंगर में बढ़ चढ़कर सेवा की। समाज की महिलाओं और बच्चों की काफी भीड़ गुरुद्वारे में देखी गई। झुंझुनू के बुहाना में मानपुरा की सड़कों पर गंदा पानी फैला होने की वजह से राहगीरों को खासी परेशानी हो रही है। प्रशासन भी इस ओर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सड़कों पर पानी जमा होने से गड्ढों का भी पता नहीं चलता, जिससे हादसे बढ़ रहे हैं। झुंझुनू के खेतड़ी में केसीसी के न्यू मार्केट स्थित एक मोबाइल की दुकान में चोर बिजली के कटर से दुकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए के मोबाइल और घड़ियों को फाड़ कर ले गए। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका देखकर आसपास के दुकानदारों से घटना की जानकारी ली। दुकान के मालिक ने बताया कि दुकान से करीब 2 लाख रुपए का सामान चोरी हो गया है। गौरतलब है कि 10 महीने पहले भी मोबाइल की दुकान के सामने सोनी मोबाइल की दुकान से लाखों रुपए के मोबाइल चोरी हो गए थे।
भरतपुर के सीकरी में गांव एडवर्ड मानपुर निवासी एक व्यक्ति ने कार की टक्कर से उसकी पुत्री की मौत होने का मामला दर्ज कराया। सड़क किनारे बच्ची चल रही थी कि तभी कार ने उसे टक्कर मार दी। अलवर के तिजारा में यादव समाज के नए अध्यक्ष भारत यादव का भिलाईडी गांव और रामपुर में जोरदार स्वागत किया गया। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में पंचायत जन कल्याण शिविर का आयोजन किया। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर का आयोजन हुआ। क्षेत्रीय विधायक भी इसमें मौजूद रहे। शिविर में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया गया। विकास अधिकारी ने पंचायत राज विभाग की योजनाओं की जानकारी देते हुए अधूरे पड़े आवास कार्य पूर्ण करने का आह्वान किया, वहीं कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर बैंकों में नोट बदलवाने जमा कराने के लिए बैंकों के बाहर भारी भीड़ रही। लोगों की लंबी कतारें यहां देखने को मिली। नोट बदलने को लेकर बैंक कर्मियों के लोगों में मामूली विवाद हुआ तो वहीं एसबीआई बैंक में टोकन देकर लोगों ने नोट जमा किए। लोगों को धूप में नहीं खड़ा होना पड़ा। बांसवाड़ा के छोटी सरवन में 500 और 1000 के नोट बंद होने से ग्राम पंचायतों में अफरा तफरी मच गई। बाजार सूने पड़े रहे। बैंकों में भीड़ के चलते ग्रामीण परेशान रहे। छोटी सरवा स्थित बीओबी शाखा में पिछले दो दिनों से भारी भीड़ है, जहां सुबह से शाम तक केवल कतारें ही नजर आती हैं। तो वही छोटी सरवा में पिछले 8 महीने से बनकर तैयार हुआ एटीएम कक्ष होने के बावजूद एटीएम शुरू नहीं होने से ग्रामीणों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसान रवि की फसल की बुआई का सीजन होने से अनाज बेचने व खाद बीज खरीदने के लिए काफी परेशान हो रहे हैं। नए नोट न मिलने से ये कभी परेशानी हो रही है। बांसवाड़ा के घाटोल कस्बे में शिक्षण संस्था में बाल दिवस पर फूड फेयर पोषण मेले का आयोजन किया गया। बच्चों द्वारा खाने पीने के स्टॉल सजाए गए। अभिभावकों और बच्चों ने खाने पीने का लुत्फ लिया। बाड़मेर की समदरी में नोट बदलने जमा करवाने को लेकर भारी भीड़ लगी है। पुलिस को भीड़ को काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, तो वहीं लोगों और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हो गई। 3 दिन बाद भी 2000 का नोट नहीं मिलने से ग्रामीण काफी परेशान है। तो वहीं एकमात्र एटीएम में भी पैसे नहीं होने के चलते काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शादियों का सीजन सिर पर होने के चलते भारी परेशानी हो रही है। सीकर के नेमका थाना में कुएं में युवक का शव मिलने का मामला सामने आया। ग्रामीणों की सहायता से शव बाहर निकाला। सदर पुलिस फिलहाल मामले की जाँच कर रही है। बाड़मेर के बालोतरा में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ज्वेलरी शोरूम से जिंदाहारे पिस्तौल दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस की विशेष टीम ने गुजरात महाराष्ट्र में दबिश देकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ज्वेलरी शोरूम में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात, जिसमें 7 लुटेरे मौके से भागते नजर आए हैं। तो एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने काफी दिनों तक पूछताछ कर आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में रेलवे बालाजी मंदिर पर हनुमान जयंती पर्व पर बालाजी को खीर का भोग लगाया जाएगा, साथ ही भक्तों को प्रसादी का वितरण किया जाएगा। रेलवे बालाजी मंदिर में आगामी कार्यक्रम को लेकर गणमान्य नागरिकों महंत के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। नौकुंडे महायज्ञ चालीसा पाठ के आयोजन पर चर्चा की गई। जैसलमेर के रामगढ़ में नहरों में पानी की कमी से किसान परेशान है। नहरी अधिकारी पानी वितरण में मंत्र बांट कर रहे हैं। किसानों ने समस्या पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा के जहाजपुर में छोटे पुष्कर के नाम से विख्यात धार्मिक नगरी धौड़ में कार्तिक पूर्णिमा का 2 दिवसीय मेला शुरू हो गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा किया जा रहा कार्तिक स्नान। इस मेले में विभिन्न प्रकार की दुकानें सजी हैं। पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए हैं। 4 भुजनाथ मंदिर में आज 56 भोग की झांकी सजाई जाएगी। और खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार।